बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पार्ट पूरा, चूँकि समय इतना नहीं मिल पाता है कि पूरा इंट्रो एक ही दिन में समाप्त कर दूं, इसलिए यहाँ मैंने पार्ट वन डाल दिया है। ठीक है, तो बेटा इंट्रो पार्ट में हम सबसे पहले डेरिवेटिव पढ़ेंगे जो 11th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये कोई ग्राफ है, वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स कोई ग्राफ है। अब जरा देखिए, ये पॉइंट हमने लिया एक्स वन, ये पॉइंट हमने क्या लिया एक्स टू। भाई ये बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, ये बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, लेकिन दिखाना हमारी मजबूरी है ना। चलो एक्स के एक्स वन के रिस्पेक्ट में वाई वन कितना होता है ये है, और एक्स टू के रिस्पेक्ट में वाई टू ये है। तो चेंज इन एक्स कितना है बेटा? चेंज इन एक्स कितना है? एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर डेल एक्स मानते हैं, और चेंज इन वाई वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन दैट्स व्हाट डेल वाई। एनी प्रॉब्लम? और डेरिवेटिव क्या कह रहा है कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ये कह रहा है ना। तो यह डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा बताओ? डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव बराबर क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव डेल वी अपॉन सॉरी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। एनी प्रॉब्लम? और ये बहुत स्मॉल चेंज है, सपोज करो स्मॉल चेंज की बात करें, अगर एक्स टू एकदम इसके पास ले लें, क्या ले लें? एक्स वन के पास ले लें एक्स टू, तो डेल एक्स कितना होगा? बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? टेंड्स टू जीरो, को जीरो को अप्रोच करने लगे। बोलो भाई, अगर हम लिमिट ले लें, क्या ले लें? लिमिट डेल एक्स क्या ले लें? टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं, अभी तो लिमिट आपने पढ़ा, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स तो क्या कहेंगे? डी वाई बटे डी एक्स। वैसे इसको डी वाई बटे डी एक्स पढ़ते नहीं है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ यही चीज, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। सुन, इसको हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई को किससे? एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डी डी एक्स ऑफ वाई को डी डी एक्स ऑफ वाई इज कॉल्ड व्हाट? डिफरेंशिएशन। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। सुन में आया? इसी को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। भाई चैप्टर का नाम ही आपका है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, अभी और बताएंगे। तो कभी कभी हमको ये नहीं पता कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी डिफिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप तो समझ में आया? अगर x में बहुत थोड़ा सा चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज किया जाए ना,
तो वाई में जो चेंज होगा ना उसे क्या कहेंगे, तब हम मतलब वो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंसिएशन। पहले इतना नोट करें आप प्लीज। अब डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं, पहले किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव समझिए, ठीक है, चाहे पॉइंट के, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, पॉइंट के राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान दो पहले, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा। अब कह रहा है कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, कह रहा है, बोलो ये पॉइंट की बात कर रहा है, पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा, जब ये पॉइंट है तो भैया यक्स तो बदलेगा नहीं, जब यक्स नहीं बदलेगा तो वाई नहीं बदलेगा, तो किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव हो कैसे सकता है, मन में ये बात आ सकती है कि नहीं, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव कैसे होगा भैया, क्योंकि जब पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर तो यक्स में चेंज नहीं हो रहा है, तो वाई में कहाँ चेंज होगा, तो डेरिवेटिव कहाँ से पैदा हो जाएगा। अच्छा भाई ये चेंज करता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे अगर वन है, ध्यान दो, और 1.000001 है, क्या ये लगभग बराबर नहीं है, अभी पिछले क्लास में यस टेंस टू जीरो पढ़े थे ना, मान लो ये पॉइंट क्या भाई, दूर दिखा रहा हूं, ये बीच का डिस्टेंस क्या है, यच है, राइट में लिया हूं, ये क्या हुआ, ये ए प्लस यच, यानी यहां पर यच बराबर क्या हो गया, ए प्लस यच, बोलो भाई ये। अब चलो x बराबर a पर जो फंक्शन हमारा था, y बराबर एफ एक्स फंक्शन हमने लिया, जब x बराबर a रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर a रखेंगे, ये एफ a होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो अब मैं इस पर चलता हूँ सीधे स्ट्रेट, यहाँ आता हूँ, ठीक, यस 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 यस, दूरी दाई तरफ, अब फिर इसको वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो अब जहाँ यक्स था यहाँ पर, अब यक्स की जगह पर क्या रखना है, चलो ए प्लस यच, ध्यान दो। अच्छा डल वाई कितना हुआ, कोई नई चीज नहीं पा रहा हूँ, वही पा रहा हूँ, डल वाई कितना हुआ, या ए प्लस एच माइनस एफ ए हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। अच्छा और एच की लिमिट कितनी है, एच किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। अच्छा डल एक्स कितना हुआ बेटा, ए प्लस एच माइनस ए बराबर, इसको हम लिख सकते हैं एच, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अच्छा खूब प्यार से समझना बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हुआ ना, तो डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, क्या निकालना हमको, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए ना, बोलो भाई यही करना हमको, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, बोलो भाई होगा कि नहीं, होगा होगा। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते कि लिमिट एच टेंस टू जीरो डल वाई कितना है, या ए प्लस एच माइनस एफ ए
अपान अपान डेल एक्स कितना आया एच, लिख सकते हैं कि नहीं? या इस पॉइंट पर एक डेरिवेटिव हुआ, एक्चुअली हमने निकाला है राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव। क्या निकाला अभी? राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं मैं ये बता रहा हूं, ठीक है? अब यह एच इधर भी तो हो सकता था, हो सकता था कि नहीं बोलो? तो ये एक्चुअली है कौन सा, ये राइट हैंड, ये कौन सा है राइट हैंड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये इधर वाला है, ये ध्यान दो। अगर देखो भाई, इसी पॉइंट बात में कर रहा हूं, अगर कहीं मैं ये पॉइंट ले लिया, ये क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट में आ रहे हैं, एच बराबर ए माइनस एच हो गया। अब इसको हमने क्या किया कि ऐसे यहां गया और फिर ये यहां ले आया। अब ये क्या हुआ, एफ ए माइनस एच बोले अच्छा, अब इसी डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। अब यहां बताओ कि ये तो राइट हैंड के लिए हो गया, इधर राइट हैंड साइड के लिए हो गया ये। अब आओ लेफ्ट हैंड साइड, क्या आओ? तो डल वाई लेफ्ट हैंड साइड में डल वाई कितना हुआ बेटा, एक सेकंड, ये ज्यादा है ना, एफ ए माइनस एफ ए प्लस सॉरी ए माइनस एच हुआ। डल एक्स कितना हुआ बेटा, ए माइनस एच बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां डल वाई अपॉन डल एक्स को लिख रहा हूं मैं एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच अप सॉरी कहा सारी बोल रहा हूं, इतना सारी बोलने क्या जरूरत है चंद्रसेन, तू बेवकूफ है, भूल जाता है हर चीज को ना, ये चंद्रसेन बेवकूफ है जो हर चीज को भूल जाता है। तो क्या लिखो यहां पर, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच अपॉन ए माइनस एच। थोड़ा सा इसमें तालमेल नहीं खा रहा यार, नहीं खा रहा है ना, एक काम ऊपर माइनस कॉमन ले लो, ऊपर माइनस कॉमन ले लो। अगर ऊपर माइनस कॉमन लेता हूं क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए ना अपान, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस एच ना माइनस ए बोल यार, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। तो क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो बोलो, या ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस एच आएगा। अरे भाई ए यहाँ देखो, ए माइनस एच माइनस ए बराबर माइनस एच हुआ कि नहीं, देख रहे हो, देख रहे हो? या इस पर कौन सा हुआ, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो किसी पॉइंट पर दो डेरिवेटिव हो सकते हैं, उसके लेफ्ट में भी उसके राइट में भी, उसके लेफ्ट में भी उसके राइट में। इतना बात समझ में आया हम भाई? जब किसी पॉइंट पर दो डेरिवेटिव हो सकते हैं तो दोनों को दिखाना हमारा फर्ज है। मैंने दिखा दिया, नोट कर लीजिए आप, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, आप अपना फर्ज पूरा करिए, खूब सोइए, खूब खाइए, बिल्कुल मत पढ़िए। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ना, इफ
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए, देन डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, देन डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। पहले इसको समझो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड, किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो, तब हम ये कहेंगे उस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अब थोड़ी सी एक बात देखिए, पहले मैंने बराबर क्यों कहा, इसको समझने की कोशिश करिए। पहले तो इतना खूब प्यार से नोट कर लीजिए ना, कोई कंफ्यूजन आप में ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ, जो डेरिवेटिव है वह कहता है, डिफिनेशन कहती है, क्या चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, यही कहता है ना, यही डिफिनेशन हम लोग बक 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 करते चले जा रहे हैं 10-5 मिनट से। अच्छा चलो, ये हमारा कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स है, ये कोई पॉइंट ए है, ध्यान दो, ये कोई पॉइंट ए है, हमको डेरिवेटिव एट पॉइंट ए निकालना है। चलो इससे यश हम बाएं चलते हैं, मतलब x बराबर ये है, ये x बराबर ए, इस पर ये x बराबर ए पर ये कितना भी है, एफ ए है, बोलो भाई है कि नहीं है। अच्छा अब चलो इस पॉइंट से हम इधर चलते हैं, चलता हूं, चलो इस पॉइंट पर डेरी ये कितना है, एफ ए प्लस एच, नहीं तो पहले जब यहां से यहां चल रहे हैं तो हम यहां से यहां आ रहे हैं, ध्यान दो पहले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जब हम लेफ्ट से ए को अप्रोच कर रहे हैं तो वाई क्या हो रहा है, घट रहा है, वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। चलो अब हम इधर जाते हैं, यस दूरी इधर जाते हैं, यस दूरी जा रहा है, यस दूरी हम इधर जा रहे हैं, यहां से ऐसे जा रहे हैं, यश दूरी, समझ में। अब देखो अब मेरा ये पॉइंट ये हो गया, तो भाई चलिए ये हो गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, यह ए पर इतना था, अब ए प्लस एच पर कितना हो गया, इतना हो गया, अब ये एच जो है इतना हम जंप कर रहे हैं नहीं जंप कर रहे हैं, बताओ पहले भाई, यहां से जब यहां यहां पर तो ए है ना, अब यहां पर जाएंगे तब तो इसको हम ए माइनस एच बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए माइनस एच, जब a प्लस, चूंकि ए जो हमने ग्राफ ले लिया है इस तरह का, ध्यान दो पहले ये कैसा ग्राफ है, ये मॉडुलस है ना, मॉडुलस फंक्शन है ना, जब a प्लस ए से लेंगे, चूंकि एकदम ये ऐसे हमने ले लिया, ऐसे ले लिया है, तो ये लगभग क्या हो रहा है, बराबर ही है दोनों, क्या है ये, जहां f a प्लस एच है वही f
ए प्लस जहाँ ए प्लस है वहीं वहाँ वहीं पर ए माइनस है, ए माइनस एच है, ठीक ना। लेकिन देखो पहले जब यहाँ पर एफ इतना था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर फंक्शन कितना था, इतना था, बोलो था ना। जब यहाँ आए तो गिर करके यहाँ पहुँच गया ए पर, तो यहाँ वाई डिक्रीज कर रहा है कि नहीं बताओ पहले, वाई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ वाई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो एक तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स में चेंज होने पर, अब देखो ड्यू टू स्मॉल चेंज इन एक्स वाई इज डिक्रीजिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। बोलो यार, लेफ्ट हैंड साइड आया ऑन मूविंग लेफ्ट टू एक्स इक्वल टू ए, वाई डिक्रीज कर रहा है, एक बात हो रहा है। फिर वाई इज इंक्रीजिंग ऑन मूविंग राइट टू एक्स बराबर ए। बोलो भाई, बोलो, इधर घट रहा है वाई, इधर वाई बढ़ रहा है, दो बात हो रही है। क्या हो रही है? दो बात हो रही, एक बात नहीं हो रही है, और बात एक होनी चाहिए। बात क्या होनी चाहिए? अगर बढ़ रहा है तो बढ़े ही, बढ़ रहा है तो बढ़े ही, और घट रहा है तो घटे, दोनों एक चीज होनी चाहिए। और होना क्या चाहिए? बराबर बढ़े दोनों तरफ बराबर बढ़े या दोनों तरफ बराबर घटे। लेकिन यहाँ एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ घट रहा है, इसलिए x बराबर a पर यहाँ हम कोई डेरिवेटिव नहीं प्राप्त कर सकते ना, मतलब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इजिकल टू ए। यहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बात समझ में आया? डेरिवेटिव यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है, एक तरफ घट रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, कौन सी बात हुई? दोगलापन नहीं भाई, बात दोगलापन की नहीं होनी चाहिए। बढ़ रहा है तो बढ़े, और घट रहा है तो घटे, एक ही बात करो, दो बात करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ समान रूप से बढ़े और दोनों तरफ समान रूप से घटे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो अब बताओ यहां कर सकते हो क्या? इस तरह का ग्राफ देखते ही बता दोगे कि नहीं साहब, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो, चलो मैं जाता हूं, एक चीज थोड़ा सा और देखो, चलो यही से देखो, यहां भी देखो थोड़ा सा। ये वाई बराबर एफ एक्स ग्राफ है, वाई बराबर एफ एक्स ग्राफ है, चलो वाई बराबर एफ एक्स एक ग्राफ है। ये मान लो ये पॉइंट ए है, एक्स बराबर ए, ठीक है। यहां पर ये मान लो क्या है, ये एफ ए है। मान लो क्या होगा, ये इस फंक्शन के अनुसार जब एक्स बराबर ए रखोगे तो वाई बराबर एफ ए नहीं होगा, होगा। चलो बहुत स्मॉल दूरी यह चलता हूं मैं, यहां हम आए, यहां आ गए, यहां से जरा देखो तुम, यहां आ गए, बाएं आ रहा है ना, तो एफ ए माइनस एच हो गया। बोलो यार, और अब ए माइनस एच केवल इतना है, जरा देखो पहले,
ये क्या हो गया, ये डेल वाई वन, डेल वाई वन बराबर एफ ए माइनस एफ ए माइनस एस, ये हुआ कि नहीं हुआ। चलो ए एस दूरी हम ए से इधर एस दूरी लिए हम लेना, अब ए से एस दूरी ही देखो एकदम ब्लैक बोर्ड में लगभग बराबर ही ले रहे हैं भैया, इतना तो लगभग इतना होगा, बोलो आओ चलो एकदम परपेंडिकुलर चलो। चलो ए यह देखो, अब ये देखो ए यह देखो, देखिए यहां भी बढ़ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और यहां भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये ए प्लस एच है। अब बताओ यहां से ए ए कहां है, यहां यहां से यहां तक ये डेल वाई टू हो गया, डेल वाई क्या फिगर के माइनस एस, इस फिगर को देखकर बताओ कि क्या डेल वाई वन इज इक्वल टू डेल वाई टू है, क्या है, इधर भी वृद्धि इधर भी वृद्धि, बात तो एक हो रही है, एक्स बराबर ए के लेफ्ट में भी वृद्धि, एक्स बराबर ए के एक्स बराबर ए के राइट में भी वृद्धि, बढ़ तो रही है, बात तो एक हो रही है ना, क्या ये बढ़ोतरी समान है। फिगर से देखो, पहले फिगर से देखो कि यहां डेल वाई वन कितना है इतना, यहां डेल वाई टू कितना है इतना, क्या ये दोनों बराबर है देख के बताओ, बराबर नहीं है, वृद्धि भाई बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ समान मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए ना, इंक्रीजिंग क्या होनी चाहिए इक्वल, या डिक्रीजिंग क्या होनी चाहिए इक्वल। तो सो क्या कहेंगे, सो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट यस इक्वल टू ए, बोलो दोनों तरफ बढ़ तो रहा है दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ कम बढ़ रहा है एक तरफ अधिक बढ़ रहा है, जब कम और अधिक होंगे तब फिर ये पॉइंट फॉलो नहीं करेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बोलो तब डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट करेगा भैया, डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ इसकी उत्पत्ति होगी, उत्पन्न ही नहीं होगा, बोलो एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है अस्तित्व, किसी बिंदु पर डेरिवेटिव अस्तित्व में है कि नहीं, समझ आया, अस्तित्व में तभी होगा जब उस पॉइंट के लेफ्ट में हाँ लेफ्ट में समान रूप से वृद्धि हो, लेफ्ट और राइट में समान रूप से वृद्धि हो या समान रूप से कमी हो ना, तब जाकर के डेरिवेटिव क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, बात समझ में आया, नोट करेंगे इसको। चलिए भाई अब धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंशिएशन तक पहुंचे हैं, डिफरेंशिएशन है क्या, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ना पर्टिकुलर पॉइंट किसी बिंदु पर, ये किए हो डेरिवेटिव को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाले हो ना, पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इन स्मॉल इंटरवल, इन बहुत स्मॉल इंटरवल लियो, इन स्मॉल इंटरवल, अरे यार यस दहने गए बाएं गए कि नहीं,
इज कॉल्ड व्हाट? डिफरेंशिएशन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अवकलन नहीं है, अवकलन क्या? अवकलन क्या कहते हैं इसको? अवकलन, जो मैं समझ पा रहा हूं। फिर जो हमारा चैप्टर है, जो मेरे चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ना, मतलब एक एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या हुआ? एबिलिटी माने क्षमता, एबिलिटी माने क्षमता, योग्यता, एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, एबिलिटी ऑफ। अच्छा भैया, डिफरेंशिएशन कब होगा? जब कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। बोल भाई, डिफरेंशिएशन कब होगा? जब कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना, यही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एवेलिटी अब डिफरेंशिएशन कब होगा? जब एवेलिटी एग्जिस्ट करेगी। डिफरेंशिएशन कब होगा? जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में आएगा। एबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, एबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व में आना। एबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज कॉल व्हाट? डिफरेंशिएबिलिटी। समझ आया बेटा? सोचो, डेरिवेटिव से शुरू करते करते इतना देर के बाद तो हम डिफरेंशिएबिलिटी और अवकलनीयता की परिभाषा जान पाए कि नहीं? शुरू कर दिया, ये हो नहीं पाता है। चलो नोट करो उसको। चलिए एक क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, पार्ट टू में करूँगा। इंतजार करिए तब तक अगले वीडियो का, कि प्रूफ दैट ए फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन। तो x इक्वल टू वन पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। अगर वो बराबर आ रहा है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंशिएबल होगा। अब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू वन पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और जब डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंशिएशन कहाँ से होगा? ठीक है, इसको आप अपने मन से ट्राई करिएगा। ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। एच डब्ल्यू ना नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करूँगा। ओके, पार्ट टू में, इंट्रो पार्ट टू में।